लखीमपुर खीरी में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते अपराध को बढ़ावा देने वाले अवैध हथियारों को बनाने और उसे बेचने वाले अपराधी लखीमपुर खीरी में सक्रिय है। ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। लखीमपुर खीरी की कोतवाली मितौली इलाके के ललुहा गांव में नदी के पास से अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री सहित दो शातिर अपराधियों को रंगे हाथ असलाह बताते वक्त अपनी हिरासत में लिया गया। वहीं पकड़े गए अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अपराधियों ने अपना नाम संजय पुत्र चौधरी विश्वकर्मा निवासी भवानीगंज थाना मंगलगंज रामपुत्र निवासी लालोहा थाना मितौली बताया है। वहीं पकड़े गए अपराधियों पर थाने में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय ठूल ने अपराधियों को पकड़ने वाली टीम को 10,000 इनाम देने की घोषणा की थी। की रात को थाना मितौली क्षेत्र अंतर्गत ललोहा गांव में मुखबिर के जरूर के से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जो पूर्व से इनका इस आर्म्स एक्ट के अपराधों में इनके पास क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो लोगों के द्वारा अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनके पास से 7 निर्मित अवैध तमंचे, 2 बंदूकें और काफ़ी सारी संख्या में अधबने तमंचे और बनाने के जो उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, वो बरामद हुए हैं। इन दोनों अपराधियों का पूर्व में भी इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त होने के क्रिमिनल हिस्ट्री है। मेरे द्वारा जो पुलिस टीम थी उसको 10,000 रुपये का नकद इनाम इस सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।